Good morning, students. Students, as you know, we have discussing about the ionic and covalent bonds, as well as we have discussing about the Fasan rule, which gives the strength of the covalent bond in a particular bonds. Okay, किसी भी particular bond में covalent bond की strength को detect करने के लिए हमने Fasan rule को discussion किया. So, today our new topic is to determine to predict the molecular shape and geometry of the complex. किसी भी कॉम्प्लेक्स में उसकी ज्योमेट्री को उसकी शेप को डिटेक्ट करने के लिए तो शेप को डिटेक्ट करने के लिए आज हम फॉर्मूलाज को पढ़ेंगे और किस टाइप से किसी भी गिवन मॉलिक्यूल्स की हम शेप और ज्योमेट्री को डिटेक्ट करेंगे. ओके, तो बच्चे ध्यान रखना है, जब भी आपने शेप और ज्योमेट्री को डिटेक्ट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि उस गिवन मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम कौन है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ ए बी फोर, ओके, तो बच्चे ध्यान देना है, देयर इज ए विल बी बिहेव एज अ सेंट्रल एटम एंड बी फोर जो बी के एटम है दैट विल बी बिहेव एज अ सराउंडिंग एटम. ओके, तो ए आपका सेंट्रल एटम है और जो बी के एटम है वो सराउंडिंग एटम की तरह बिहेव करेंगे. तो जनरली यहाँ पे सभी मॉलिक्यूल्स देखिए, सभी मॉलिक्यूल्स के अंदर ए आपका ए सेंट्रल एटम की तरह बिहेव कर रहा है. तो नॉर्मली हम बात कर रहे हैं जिसके साथ बॉन्डिंग होगी वो सेंट्रल एटम होगा और जो बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे जो एटम दैट बिहेव दैट विल बी कंसीडर एज अ सराउंडिंग एटम. क्लियर? और जनरल सी एक बात आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल दिस मॉलिक्यूल्स ए बी सिक्स, इस ए बी सिक्स के अंदर देखिए बच्चे कि जो लेसर अमाउंट के अंदर जो एलिमेंट है दीज आर द ए और जो मेजर अमाउंट के अंदर जो एलिमेंट है वो है बी. तो देयर जो लेसर नंबर के अंदर एलिमेंट है वो ए और जो ज्यादा नंबर के अंदर है वो है बी. तो वेयर ए इज बिहेव एज अ सेंट्रल एटम एंड बी विल बी बी जो एलिमेंट होगा दैट विल बिहेव एज अ सराउंडिंग एटम. क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं बच्चे, ध्यान देना है, हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा कि किसी भी गिवन कंपाउंड के अंदर बॉन्ड पेयर को कैसे डिटेक्ट किया जाए और लोन पेयर को कैसे डिटेक्ट किया जाए. तो बच्चे ध्यान देना है, हमेशा ही जो बॉन्ड पेयर होंगे वो बॉन्ड पेयर हमेशा ही सराउंडिंग एटम कंसीडर किए जाएंगे. ओके, तो ध्यान रखना है बच्चे, किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर जब भी मैं आपसे बात करूं कि इस गिवन मॉलिक्यूल के अंदर सराउंडिंग एटम कितने हैं वही सराउंडिंग एटम आपके बॉन्ड पेयर कंसीडर किए जाएंगे. इट मीन्स वेयर ए बी टू वी नो दैट वी इज अ सराउंडिंग एटम, इट मीन्स बी विल बी बिहेव एज अ बॉन्ड पेयर. इट मीन्स इन ए बी टू मॉलिक्यूल्स के अंदर जो बॉन्ड पेयर है वो टू है. ओके, ऑन द सेम वे सेकेंड नेक्स्ट एग्जाम्पल भी आप कंसिडर कर सकते हो, वेयर ए बी थ्री मॉलिक्यूल्स. ओके, इस ए बी थ्री के अंदर सराउंडिंग एटम बी है, इट मीन्स बॉन्ड पेयर इज ऑल्सो 3%. क्लियर? तो आप नेक्स्ट भी एग्जाम्पल डिस्कशन कर सकते हो, वेयर ए बी टू एल, इट मीन्स यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चे, यहाँ पे जो बी टू है दैट इज बिहेविंग एज अ सराउंडिंग एटम, इट मीन्स देयर विल बी बॉन्ड पेयर इज टू. क्लियर? तो अब हम बात करने वाले हैं कि किसी भी गिवन मॉलिक्यूल के अंदर सराउंडिंग एटम को कैसे डिटेक्ट किया जाए, सॉरी बॉन्ड पेयर को कैसे डिटेक्ट किया जाए. तो बच्चे ध्यान रखना है, बॉन्ड पेयर जब भी आप डिटेक्ट करोगे उसके लिए दो चीज़ें आपको जरूरी हैं. फर्स्टली कि कोई भी आपको मॉलिक्यूल मिला उस मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है उस सेंट्रल एटम के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. फॉर एग्जांपल कार्बन आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पता ही है 2 and 4. ओके, तो इसके बैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है दैट इज 4. ओके, अगर हम एग्जांपल लेता हूँ मैं NH3 का, तो नाइट्रोजन के बैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. तो फर्स्टली तो आपको यही बात क्लियर होना चाहिए, जो भी एलिमेंट्स आपको मिलता है जो कि एन सेंट्रल एटम की तरह बिहेव कर रहा है उस सेंट्रल एटम के सराउंडिंग एटम में बैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए. और इसके साथ साथ आपने ध्यान रखना है कि जैसे ही हमने एग्जांपल लिया CH4 का, तो बच्चे ध्यान रहे इस कंप्लीट जो सी है आपका, सी की जो कंप्लीट फैमिली होगी, कार्बन कार्बन के बाद सिलिकॉन होगा, सिलिकॉन के बाद जो भी बेटा जर्मेनियम एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सभी के सराउंडिंग सभी के बैलेंस शेल के अंदर हम 4 इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करके चलेंगे. अगर आपने अभी एग्जांपल लिया था बोरोन का या फिर नाइट्रोजन का लिया, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी जो भी सभी एलिमेंट हैं इस ग्रुप के,
हम सभी के वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करके चलेंगे, क्लियर। तो अब हम जो भी नेक्स्ट जो लोन पेयर का प्रोसेस होगा वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रिकवर करेंगे। थैंक यू।